हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल जैसे कि दोस्तों पता है आपको 7th अगस्त को एक मीटिंग जो हुआ था मैंने बताया था कि मीटिंग कब होगा और किस टाइम पे होगा तो मीटिंग का जो आउटकम है वो मैंने बताया था कि एक वीडियो मैं अलग कर दूंगा, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि आउटकम क्या हुआ है तो बाईप बाईपटाइट टॉक्स में जो स्मॉल कमीटिंग कमीटी मीटिंग राउंड वन ये राउंड वन आप डिस्कशन कह सकते हैं इसको तो इसका एक सर्कुलर एन जो है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज ऐसा सिर्फ एन नहीं है हर एक यूनियन ने यह सर्कुलर को इशू किया है और यहाँ पे बताया गया है देखिए ये फर्स्ट राउंड का लेकिन आप कह सकते हैं फर्स्ट राउंड टॉक है तो वर्कमैन यूनियन में यहाँ पे लिखा है देखिए वी हैव सजेस्टेड दैट ए स्मॉल कमिटी कैन बी सेटअप टू डिस्कस इशू लाइक डी ए स्कीम बेस्ड ऑन टू थाउजेंड सिक्सटीन इक्वल टू हंड्रेड इंडेक्स और इशूज रिलेटिंग टू डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीड्योर तो बहुत सारा बैंक में क्या है विदाउट एनी रीज़न कस क्या हो रहा है विदाउट एनी रीजन आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉय लोगों को हेरास किया जा रहा है और सर्विस जो है उन लोगों का सस्पेंड भी हो रहा है डिसमिस भी हो रहा है तो ये जो इश्यूज है कुछ छोटा मोटा इशू के वजह से ये सब कर रहा है बहुत सारा बैंक अभी एग्रेसिव हो गया है तो इश्यूज रिलेटिंग टू डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीड्योर इसके बारे में भी एक डिस्कश हुआ है अपडेटिंग द ड्यूटीज़ ऑफ क्लैरिकल जैसे कि पता है क्लैरिकल लोग का जो टाइमिंग है दस से पाँच बजे तक मुझे पता है बहुत सारा क्लर्क जो है दस से पाँच बजे तक ड्यूटी नहीं करता है बियॉन्ड उसके बियॉन्ड भी ड्यूटी करता है लेकिन उसके लिए जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो मिलता नहीं है ओवर टाइम जो अलाउंस है मिलता नहीं है ये कॉमन फैक्टर है हर एक बैंक के लिए इवन नेशनलाइज बैंक के लिए भी तो सब स्टाफ एज पर प्रेजेंटेड रिक्वायरमेंट और बहुत सारा ब्रांच में अभी स्टाफ का रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा ब्रांच में ऑफिस बॉय से काम चला रहा है सब स्टाफ जो है परमानेंट जो स्टाफ है वो अभी रिक्रूटमेंट लगभग बंद ही हो गया है तो ये सब के बारे में डिस्कशन का मेन मोटो है स्टैगनेशन इंक्रीमेंट यहाँ पे पॉज करके देख लीजिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा इम्प्रूवमेंट इन एच आर ए तो यहाँ पे देखिए एच आर रेंट रिसीव बेसिस अप टू हंड्रेड फिफ्टी परसेंट ऑफ नॉर्मल एंटाइटलमेंट एच आर एट हंड्रेड फिफ्टी परसेंट पेबल ऑन ट्रांसफर टू एनदर स्टेशन टू बी ऑन डिक्लेसन बेसिस तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एच आर ए के थोड़ा बात किया है इम्प्रूवमेंट इन अदर अलाउंसेस हिल एंड फ्यूल अलाउंसेस फिर नॉर्थ ईस्ट में जो इंसेंटिव ऑन द लाइन्स ऑफ गवर्नमेंट आर बी आई टू बी इंट्रोड्यूस्ड फिर स्पेशल कम्पेंस कंपेन्सेटरी प्रोविशंस फॉर हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर फिर आपका आ गया है एडिकुएट इंक्रीज इन हॉल्टिंग अलाउंस एंड लॉजिंग एक्सपेंस when hotel room rent receipt is produced for reimbursement 50% of uh, deem is to be paid towards boarding expenses introductions of education allowance बहुत सारा bank mein hai lekin amount kam hai introductions of lunch allowance introduction learning allowance बहुत सारा bank में अभी learning का app चालू हो गया है लेकिन allowance नहीं मिलता है net का allowance नहीं मिलता है specially clerical sub staff का रिविजन इन डेपुटेशन अलाउंस डेपुटेट किया जाता है किसी स्टाफ को तो उसके लिए भी अलाउंस होना चाहिए तो उसके लिए भी रिविजन किया है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोजिंग अलाउंस मिड एकेडमिक ईयर अलाउंस डिसकॉम्पोर्ट अलाउंस फॉर स्टैगर्ड ऑल आवर्स ड्यूटीज इसके लिए भी इंट्रोडक्शंस किया गया है स्कूटर मॉप्ट अलाउंस टू बी इंट्रोड्यूस फॉर सब स्टाफ एनुअल मेडिकल एड आप देखेंगे तो क्लरिकल जो है अवार्ड स्टाफ उसका जो मेडिकल होता है मेडिकल अलाउंस बहुत कम मिलता है कंपेयर टू ऑफिसर तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई हो सकता है लीव रूल्स के बारे में कैजुअल लीव इन्हेंस किया जाना चाहिए फिर आपका नो लीव कैन बी टेकन एज अ मैटर ऑफ राइट टू बी सुइटेबली मॉडिफाइड टू सो दैट लीव इज़ नॉट डिक्लाइंट अनजस्टि फीवली रिस्ट्रिक्शंस ऑन एबलमेंट ऑफ मैक्म नंबर ऑफ डेज ऑफ कैजुअल लीव ऑफ फोर डेज एट टू बी रिमूवड यहां पर फोर डेज को रिमूव किया करना, करना चाहिए हो सकता है आप सिक्स डेज भी ले सकते हैं कैजुअल लीव मतलब कंस्टेंटली आप ले सकते हैं फिर एनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव टू बी मैक्सिमम अप टू 300 डेज वहाँ पे भी इंक्रीमेंट तो बहुत सारा हैं सिक्लीप टू बी ग्रांटेड एट द रेट थर्टी डेज पर ईयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस ऑफ सिक्लीप अप टू थ्री डेज पर मंथ विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर वुमेन एम्प्लॉयज तो वुमेन के लिए भी अलग एक बनाया है सैंक्शन ऑफ मैटर्निटी लीव फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट balance of maternity leave, uh, leave to be permitted to be able to attend to delivery of daughter daughter-in-law up to 45 days and Where maternity leave is not available sick leave can be granted Introduction of child care leave leave towards miscarriage so many are options are introduction study leave introductions of leave bank duty leave for attending consolations labor courts, etc तो बहुत सारा यहाँ पे है एनुअल इंकस्टमेंट और पीवलेज लिव अप टू टेन इयर्स टेन डेज पर ईयर जो अभी है फाइव डेज पर ईयर उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए टेन डेज होना चाहिए लीव फेयर कंसेशंस एल एफ सी एल टी सी जो भी है वहाँ पे भी मॉडिफाइड किया गया है ये आप पॉज करके देखने से अच्छा रहेगा बहुत सारा पॉइंट है इतना पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा

ओवर टाइम अलाउंस कभी भी चालू नहीं होगा चालू हो गया तो बैंकिंग इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा ट्रैवल ऑन ड्यूटी इंप्रूवमेंट्स इन क्लास एंड मोड ऑफ ट्रैवल वाइल ऑन ड्यूटी एक्सपेंस वाइल ऑन ट्रांसफर तो ट्रांसफर में भी बहुत सारा किया गया है होटल एकोमोडेशन हॉल्टिंग अलाउंसेस फॉर सिक्स डेज ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉई ऑफिसर एसोसिएशन का भी बहुत सारा यहाँ पे आप कह सकते हैं डिमांड Uh, है यहाँ पे मार्जर ऑफ़ स्केल्स टू रैशनलाइज द पे स्केल्स स्केल वन मैनेजर ग्रेड इंटीग्रेशन ऑफ करेंट स्केल वन एंड टू स्केल फोर ऑफिसर शुड ऑल्सो भी गिवन टू इंक्रीमेंट फॉर पासिंग सी ए आई आई बी तो अभी तक देखेंगे सी आई भी पास करेगा ऑफिसर तो एक ही इंक्रीमेंट मिलता है लेकिन क्लर्क अगर पास करता है तो दो इंक्रीमेंट मिलता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑफिसर क्लैरिकल का लेकिन और भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन है क्लैरिकल को जो काम है अभी जो अभी आप कह सकते हैं क्लार्क और ऑफिसर लगभग सेम ही काम कर रहा है सेम प्रेशर है लेकिन सैलरी का डिफरेंस है छोड़िए ये सब बात ये सब एक्चुअली बहुत सारा आर्गूमेंट का बात है तो ये सब बहुत सारा चीज़ है अपवर्ड रिविजन ऑफ एचर ए कॉमनसूरेट विथ मार्केट ट्रेंड सिर्फ लीज टू बी इंट्रोड्यूस्ड तो ऑफिसर यूनियन का भी बहुत सारा है पॉज करके देख लीजिएगा एडुकेशन अलाउंस टू बी इंट्रोड्यूस फॉर स्कूल एडुकेशन एंड हायर एडुकेशन सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग इन गवर्नमेंट पी एस यूज प्राइवेट सेक्टर इंट्रैक्शन ऑफ इंसेंटिव फॉर रूरल एंड अदर सेंसिटिव डिफिकल्ट एरियाज जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट इन लीव फेयर कंसेशन एंड मोनिटाइजेशन ऑफ़ एल एफ सी बैंक शुड बीयर द टैक्स ऑन पी क्विट्स डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी हैं 25 फाइव डे सी एल फॉर फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉयज़ फुल पेंशन टू फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉयज एट फिफ्टी परसेंट ऑफ पे इस्पेक्टिव ऑफ सर्विस रेंडर्ड स्पेशल प्रोविजन्स फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ वमेन एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल प्रोविजन है आप पॉज करके देख लीजिएगा इंटोरक्शंस ऑफ मेन्टोरल लीव पोस्टिंग एट द सेम स्टेशनरी फॉर बोथ्स पाउसेस इम्यूनिटी फ्रॉम ट्रांसफर पॉलिसी इम्प्रूवमेंट इन लीव फैसिलिटीज इंट्रोडक्शंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लीव बैंक यहाँ पे भी बहुत सारा uh, दिया गया है पॉइंट को रेज किया गया है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसिस टू ऑफिस बाई एडोपन्स ऑफ बेस्ट पॉलिसीज और रिव्यू ऑफ डिसिप्लिनरी रूल्स प्रोसीड्योर जो मैंडेटरी है और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है नो डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड आफ्टर सुपर एनुएशन एंड द एक्सटेंड पेंशन रेगुलेशन नंबर फोर्टी एट टू बी डन अवे विथ एज इट इज़ कन्फ्लिक्ट क्लॉज फोटीन ऑफ गैजुअटी एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो हो सकता है कि आप रिटायर कर गए हो लेकिन बाद में कुछ पता चलता है लोन का डिफॉल्ट या कुछ भी होता है तो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाता है उसमें क्या होता है जो आपका इंक्रीमेंट है या फिर आपका जो ग्रेजुटी है उसको रोक दिया जाता है पेंशन को कभी कभी आ, रोक दिया जाता है या फिर कम आपको डिडक्ट करके आपको मिलता है तो ये सब आ, के बारे में भी डिस्कशन किया गया है और नेक्स्ट राउंड मीटिंग होगा तो ये फर्स्ट राउंड मीटिंग है नेक्स्ट इट वॉज एग्री टू तो फिक्स द डेट फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग्स एट दर्लीस्ट द मीटिंग ऑफ द मेन निगोशिएटिंग कमेटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी फिक्सड बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ तो एंड ऑफ दिस मंथ हो सकता है और एक डिस्कशन सो सो फ्रेंड्स दिस आर दिन पॉइंट यूनियन रेज एंड फाइव डेज बैंकिंग के लिए बहुत सारे न्यूज मार्केट में फैल गया है बहुत सारा फेक न्यूज फैल गया है इस मंथ में हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर कुछ न्यूज़ या फिर कुछ अपडेट मिलता है तो आई विल शेयर विथ यू डोंट वरी तो फ्रेंड्स होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट कमेंट कीजिएगा तभी क्या होगा मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा थैंक यू थैंक यू ऑल